स्वच्छ भारत योजना में जिस तरीके से झारखंड ने अग्रणी भूमिका निभाई, इस मूवमेंट में झारखंड की कितनी बड़ी भूमिका होगी? निश्चित रूप से प्रथम रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। 2018 में रेल मंत्री पीयूष गोयल आए थे और खेल अकादमी के बच्चों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने एक लक्ष्य दिया था। सरकार जब अगली बार फिर आएगी तो उस 5000 के लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए खेल विभाग अपनी तरह से पूरा तन्मयता के साथ प्रयास करेगा। खेल और खिलाड़ी भी सरकार के साथ है क्योंकि खेल में बहुत ज़्यादा काम, 14 साल का काम दिखेंगे और 4.5 सालों का काम दिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले जो पूरा ये खेल विभाग स्केटर्ड था, अब ये खेल विभाग यूनिफाइड होकर के एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन इस कहावत को गलत साबित किया है झारखंड के खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय ने। उनकी उपलब्धियां, उनकी योजनाएं, उनकी सोच ने झारखंड को आज खेल की पटरी पर दौड़ा दिया है। JSPS, एक्सेलेंस सेंटर और खेल अकादमी, अब खेल विश्वविद्यालय की भी बात चल रही है। जाहिर सी बात है कि अगर मन में इच्छा शक्ति हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सूबा और देश तरक्की के पथ पर ज़रूर अग्रसर होगा, लेकिन इसके साथ कुछ सवालात जुड़ते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा। प्रधानमंत्री ने भी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये पॉसिबल कैसे होगा। हर कोई फिट रहेगा और फिट तब रहेगा जब हर कोई खेलेगा, यानी इंडिया खेलेगा। इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि खेल के मानचित्र पर झारखंड का जो स्थान है तो इस मूवमेंट में भी झारखंड की भूमिका अहम हो जाती है। झारखंड फिट तो इंडिया फिट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के कला संस्कृति खेल एवं युवा कार्य मंत्री अमर बावरी जी। हम इनसे जानेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि खेल दिवस है और खेल दिवस के कई कार्यक्रमों में इन्होंने शिरकत की, लोगों से रूबरू हुए और विभाग के जो आने वाले दिनों में बची हुई कार्य योजना है उसे शेयर की, अब AB न्यूज़ के साथ भी शेयर करेंगे। बावरी जी, पहले खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे फिट रहेगा झारखंड? खेल दिवस के अवसर पर सभी दर्शकों को और आप सबको मेरी भी शुभकामना और बधाई। प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष की जो आज सबसे बड़ी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिट इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हम सब लोग फिटनेस के प्रति अवेयरनेस रहते हैं, बातें करते हैं, हमारे दिमाग मन मस्तिष्क में यह बात मालूम होती है कि हम फिट रहेंगे तभी जा करके अपने दिनचर्या और अपने जो लक्ष्य है अपने परिवार इसके साथ अच्छा समय और अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके किसी बहाने से कि बहुत व्यस्तता है, समय नहीं मिलता है, ऐसा बहाना बना करके हम अपने शरीर के साथ अत्याचार भी करते हैं, हम शरीर के साथ कहीं ना कहीं हम अन्याय भी करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है उसी को ध्यान में रख करके आज झारखंड ने भी इस अवसर पर एक आयोजन किया और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बनाने की दिशा में पहल की है। एक छोटी डिस्कशन उसके बाद हम लोगों की सेक्रेटरी और खेल निदेशालय के निदेशक से हुई है और हम चाहते हैं कि इस मूवमेंट में यह विभाग बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े, हिस्सा ले और इसको एक जन आंदोलन के रूप में बना करके सभी लोग फिटनेस के प्रति अवेयर हो करके फिटनेस को अपने जीवन का अंग बनाए, अपने दिनचर्या का अंग बनाए। इसमें जो भूमिका का निर्वहन हम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे और इसके लिए मैं कह सकता हूं कि अपने जितने आवासीय सेंटर हैं, डे बोर्डिंग के सेंटर हैं, हमारे और भी जो इवेंट्स जहां भी होते हैं वहां हम इस चीज़ों को कैसे बेहतर करें, कैसे मैदान पे और बाकी चीज़ों में लोगों को अवेयर कर सके हमारे कमल क्लब का। चूँकि हम लोगों ने इन 4.5 सालों में अपना जो प्रभाव है और अपना जो पहुंच है वो 4,402 पंचायतों में, 265 प्रखंडों में, 24 जिलों में अपना एक युवाओं का संगठन हम लोगों ने बनाया है एक कमल क्लब के माध्यम से और उनकी एक बैठक भी अभी 5 तारीख को होने वाली है, तमाम अध्यक्षों का, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शिरकत करने वाले हैं। ये जो हमारा गाँव तक का जो संगठन गया हुआ है, आपको बताना चाहेंगे जब मुख्यमंत्री आमंत्रण कप हम लोगों ने कराया
तो उसमें जो पार्टिसिपेशन हुआ खिलाड़ियों को, वो 188,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन हुआ। और वर्ल्ड का दूसरा ऐसा इवेंट, कोई सिंगल टूर्नामेंट जिसमें इतना बड़ा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, तो हम समझ सकते हैं इतने बड़े पंचायतों में जब हमारे बच्चे खेलते हैं। JSSPS का जब हमारा ट्रायल चला जी, तो जब उसकी स्कूटनी की पहली जब बार जब हम लोगों ने उसको लॉन्च किया, तब 100 कैडेट्स के लिए हमारे पास 18,000 बच्चे ट्रायल के लिए आए थे। और आज जब हम 2018-19 में जब हम ट्रायल करते हैं, तो 100 पोस्ट के लिए लगभग 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तक की संख्या बच्चे आते हैं। तो ये अचीवमेंट, ये अवेयरनेस खेल के साथ साथ इस समाज में कि भाई खेलना जीतने के लिए ही हमेशा ज़रूरी नहीं, खेलना आपको एक ऐसे शरीर को साधने के लिए है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए। स्वच्छ भारत योजना में जिस तरीके से झारखंड ने अग्रणी भूमिका निभाई और कई बार स्वच्छता के मानकों पे वो खरा उतरा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान भी यहाँ के शहरों ने अर्जित किया, इस मूवमेंट में झारखंड की कितनी बड़ी भूमिका होगी? निश्चित रूप से प्रथम रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत भी यही है, केंद्र की सरकार यदि एक कदम बढ़ाती है तो रघुवर दास जी की सरकार दो कदम आगे बढ़ करके यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के लिए काम करती है। उज्ज्वला योजना में अगर गैस मोदी जी देते हैं तो हम लोग डबल रिफिल और सिलेंडर और चूल्हा देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में भी जिस तरह से माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में केंद्र की जो ये महत्वाकांक्षी योजना थी, इसको हम लोगों ने सबसे पहले अचीव किया है। इस कार्यक्रम को भी, इस अभियान को भी हम उनके नेतृत्व में पूरे जनता के सहयोग से, 3.25 करोड़ झारखंड की जनता के सहयोग से हम अचीव करेंगे। ऐसे भी नैसर्गिक रूप से झारखंड की जो जनता है, जो गांव देहात में रहती है, जो पर्वत और पहाड़ पठार में रहते हैं, वो सारे लोग नैसर्गिक रूप से स्वस्थ रहने वाले लोग हैं। आज दिनचर्या और टेक्नोलॉजी और परिवेश जीवन का जो बदला है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग खान पान के कारण थोड़ा सा उनको परेशानी हो रही है। थोड़ा सा इनिशिएटिव अगर आज हम स्टार्ट करते हैं तो आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि झारखंड एक कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे फिट स्टेट के रूप में जाना जाएगा और हमारे लोग यहाँ से निकल करके आगे बढ़ेंगे। 2018 में रेल मंत्री पीयूष गोयल आए थे और खेल अकादमी के बच्चों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, अधिकारियों से बातचीत की थी और उन्होंने एक लक्ष्य दिया था कि 2022 में जब भारत 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाएगा तब उस अकादमी में छात्रों की संख्या 5,000 होनी चाहिए। उस तरफ कहाँ तक बढ़े हैं, क्योंकि 376 बच्चों से शुरुआत हुई थी? अभी हम लोगों की संख्या कम है, हम लोग जो क्रीम है उसको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। 5,000 बच्चों को हम लोग धीरे धीरे, नई सरकार जब आएगी, रघुवर दास जी की सरकार जब अगली बार फिर आएगी, तो उस 5,000 के लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए खेल विभाग अपनी तरह से पूरा तन्मयता के साथ प्रयास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने प्रतिभा का दोहन करते हुए राष्ट्र का गौरव बढ़ाए, ऐसा अवसर देने का काम हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। उन्होंने जब यह टारगेट दिया है तो खेल विभाग उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और ओलंपिक हमारा लक्ष्य है, हमारे बच्चे ओलंपिक के लिए सजग हैं, ओलंपिक के लिए दिन रात सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि इंडिविजुअल गेम में जो बादशाहत आज भारत के पास नहीं है, अमेरिका और बड़े बाकी राष्ट्र माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, वो बादशाहत हम लोग वापस हम लोग प्राप्त कर सके इंडिविजुअल गेम्स में, ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स में। यह लक्ष्य लेकर के उसमें झारखंड चल रहा है और देश का गौरव बढ़ाएगा, ये झारखंड सोच रहा है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक आप लोगों की कल्पना थी, वो कितना सार्थक साबित हो रहा है, कितना फायदेमंद साबित हुआ? देखिए, हमारा जो खेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे बोर्डिंग और डे बोर्डिंग जो होते हैं स्कूल तक में थे, प्लस टू तक बोर्डिंग और डे बोर्डिंग में हम लोग बच्चों को तैयार करते थे, नर्सिंग करते थे, उनको मौका और उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन इंटर के बाद हमारे पास एक गैप था कि हम वैसे बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, अगर उसको यदि आर्मी ने, रेलवेज ने, बैंक सेक्टर ने या किसी ने यदि नियोजित नहीं किया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, वो कैसे आगे बढ़े। इतने दिन की मेहनत के बाद वो एकदम से छूट जाते थे उससे, और उनके लिए घर वापस जाना, अपने परिवार में वापस जाना, क्योंकि ट्रेनिंग और खर्चे बहुत
महंगे भी होते हैं, गरीब जो हमारी प्रतिभा है वो गांव घर से आती है, गरीब जगहों से आती है, ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके सेंटर फॉर एक्सीलेंस हम लोगों ने सोचा कि हॉकी और अभी तीरंदाजी का हम लोगों ने प्रारंभ किया है और देश नहीं विश्व के ख्याति प्राप्त, चाहे वो संजीव सिंह हो हमारे आदरणीय तीरंदाजी के लिए या फिर हमारे सुमराय टेटे या नरेंद्र सिंह सैनी जैसे हॉकी के खिलाड़ी, उनको लेकर के हम लोगों ने वैसे प्लस टू के बाद जो बोर्डिंग डे बोर्डिंग और जो हमारे प्रतिभावान लड़के हैं उनको कलेक्ट करके एक एक्सीलेंस बना सेंटर। इसमें कैसे बच्चों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, क्या आदिवासी अपने हक से तो महरूम नहीं हो रहे? कोई महरूम नहीं होंगे, जो हमारे बच्चे हैं और हमारे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता अपनी है, यहाँ कोई जात पात का कोई विषय नहीं है, जो योग्यतावान क्षमतावान जो बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है जिनमें इच्छा आगे बढ़ने की, वो क्रीम लोगों को छांट करके, और हमारे मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासी बच्चों को छटने की तो सवाल ही नहीं उठती है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली खेल के जगत में यदि हमारे झारखंड में यदि हमारे कुछ है मेरे झारखंड में है तो वही बच्चे हैं और उनका भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, आप जा करके देखेंगे तो सारे लोग हमारे, और इतने गुणी जब प्रशिक्षक हमारे पास है तो उनके नज़रों से कोई हीरा छूट जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, तो अपने नज़रों से उसे हीरो को तराश करके ऐसा चमकाएंगे कि कोई देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। बिहार में सीधी नियुक्ति का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, खिलाड़ियों को वहाँ पर सीधी नियुक्ति दी जाती थी, इस दिशा में झारखंड मंत्रालय को सोच हम लोग भी सीधी नियुक्ति के लिए तैयार हैं और अभी विभिन्न विभागों की ओर से जैसा अभी विभाग में हम लोगों ने बात किया लगभग 50 के करीब अधियाचना आई है पोस्ट के लिए, हम खिलाड़ियों के स्क्रूटनी कर रहे हैं जो हमारे अचीवर्स हैं जिन लोगों ने अपने तब से देश का और झारखंड का नाम रोशन किया है और जो इच्छा रखते हैं कि उसे नौकरियों में नियोजित हो उनको हम लोग रिक्रूट कराने के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 1 महीने के अंदर में उसे लोगों को हम लोग रिक्रूट करा करके एक अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सके। एक हाइपोथेटिकल सवाल, आखिरी सवाल, हाइपोथेटिकल यू कह रहा हूँ कि क्योंकि चुनाव सामने हैं और चुनाव में कई चीज़ें अंदाज़ों पर होती हैं, लोग बयानबाजियाँ करते हैं, कवायदे अटकलों का दौर चलता है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि लोग कहते हैं कि सड़क सरकार ने बनवा दी, खाद्य सुरक्षा में सरकार ने काम किया, गैस बंटवाए, आवास दिए, इसलिए सरकार को वोट मिलना चाहिए, लेकिन खेल एक ऐसा सेक्टर है, क्या खेल में भी हम इतने आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं कि खेल और खिलाड़ी भी सरकार के साथ हैं क्योंकि खेल में बहुत ज़्यादा काम हुआ? आप यदि 14 साल का काम देखेंगे और ये 4.5 सालों का काम देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले जो पूरा ये खेल विभाग स्केटर्ड था अब ये खेल विभाग यूनिफाइड होकर के एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जैसे SPS जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 34वें नेशनल गेम के बाद 6 होने के कगार पे था आज वो जिंदा है सजीव है और वहाँ से हम लोग अपने भविष्य को निर्मित होते हुए देख रहे हैं, अपने साझा सेंटर के माध्यम से डे बोर्डिंग बोर्डिंग को ठीक करना, सही समय पे उनको खाने की और बाकी चीज़ों की व्यवस्था देना, अच्छे कोचेज आज हम लोगों ने रिक्रूट किए, कोचेज की व्यवस्था देना, DSO को स्थापित करना, ये सारे कार्य और अचीवमेंट भी आप देखेंगे तो इन 4.5 सालों में इंडिविजुअल्स गेम्स हो चाहे फिर हमारा टीम गेम्स हो टीम इवेंट्स हो हमारे अचीवर्स भी आए हैं, अच्छे खासे हमारे लोगों ने बच्चों ने किया है, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से संतुष्ट होकर के नहीं कह सकते, सभी चीज़ों को हम लोगों ने ठीक कर लिया लेकिन हमने दशा और दिशा ठीक करने का काम किया है। पीछे जो आप ग्राउंड देख रहे हैं हमारे ग्राउंड, पहले ये सारे खेल के अलावा अन्य गतिविधियों में इंगेज होते थे, आज ये स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह से संरक्षित रख दिया गया है, इस तरह से स्टोट्रॉप के अनेकों हम लोगों ने यहाँ लगवाए हैं, कमल क्लब के लिए हम लोगों ने पंचायत स्तर पर खेल के मैदान तैयार करने का इनिशिएटिव प्रारंभ किया है और इस बार हम लोग उसको चालू कर रहे हैं, तो एक ऐसा सेटअप जो गांव तक लोगों को मौका दे जी। आज कमल क्लब के माध्यम से फुटबॉल का क्यूरियोसिटी और देखिए जिज्ञासा के भी आप समझ सकते हैं, एक टूर्नामेंट में 2-2 लाख बच्चे खेल रहे हैं पूरे झारखंड के अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन एक मूवमेंट और खेल में एक कह सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर है, आने वाले समय में यह जरूर एक ऐसे जगह पर जाएगा जहां हमारे खिलाड़ी ना सिर्फ हॉकी और तीरंदाजी में
बल्कि किसी भी खेल का जब टीम बनेगा भारत के अंदर, तो हमारे खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट करने वाली टीम का हिस्सा होंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अमर बारू जी ने बहुत ईमानदारी के साथ ये बात स्वीकार की कि बहुत कुछ अभी बाकी भी है, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है। हम अमर बावरी जी से ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने खुद के लिए किसी साल का लक्ष्य रखा है क्या? बावरी जी, कोई साल का लक्ष्य रखा है आपने कि तब झारखंड नंबर वन कहलाएगा? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के उस लक्ष्य के साथ खड़े हैं, संकल्पित हैं। जब देश की आज़ादी के 75 साल होंगे 2022 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 में जब हम 75 साल के हो जाएंगे तो नई भारत में हम प्रवेश करेंगे, जो नया भारत मजबूत होगा, श्रेष्ठ होगा, एक होगा, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जहां भाई भतीजावाद परिवारवाद से मुक्त होगा, और जहां खेल में भी राष्ट्र का ध्वज सिरोमर होगा, सबसे ऊपर फहराया जाएगा। वो लक्ष्य लेके हम लोग भी चल रहे हैं, और जब भारत उस गौरव को प्राप्त करेगा तो गौरवान्वित करने वाला एक बंदा जो खिलाड़ी जो होगा वो झारखंड का होगा, ऐसा हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और हम लोग का अभी लक्ष्य 2022। तो झारखंड सरकार की इन्हीं उपलब्धियों, खेल के क्षेत्र में इन्हीं योजनाओं और इच्छा शक्ति की वजह से, कार्यशैली की वजह से, आज झारखंड के बच्चे ही नहीं बल्कि झारखंड के बाहर से आने वाले बच्चे जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो बहुत गर्व के साथ कहते हैं, उस कहावत को गलत साबित करते हैं जिसमें ये कहा गया था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, आज वो गर्व के साथ कहते हैं खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब। अमर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबी न्यूज से बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कैमरा पर्सन शशि प्रताप के साथ अनूप सोनू, एबी न्यूज रांची। स्वच्छ भारत योजना में जिस तरीके से झारखंड ने अग्रणी भूमिका निभाई, इस मूवमेंट में झारखंड की कितनी बड़ी भूमिका होगी? निश्चित रूप से प्रथम रहेंगे, ये डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। 2018 में रेल मंत्री पीयूष गोयल आए थे और खेल अकादमी के बच्चों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने एक लक्ष्य दिया था। रघुवर दास की सरकार जब अगली बार फिर आएगी तो उस 5000 के लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए खेल विभाग अपनी तरह से पूरा तन्मयता के साथ प्रयास करेगा। खेल और खिलाड़ी भी सरकार के साथ है क्योंकि खेल में बहुत ज़्यादा काम, 14 साल का काम दिखेंगे और 4.5 सालों का काम दिखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि पहले जो पूरा ये खेल विभाग स्केटर्ड था, अब ये खेल विभाग यूनिफाइड होकर के एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है।